विधानसभा पीलीभंगा से पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल के रावतसर स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं ने आज द्रौपदी मेघवाल से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी जताई। कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मेघवाल को मजबूत दावेदार बताते हुए भाजपा के शासन समय वर्ष 2013 से 18 तक पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल द्वारा करवाए गए जनहित के कार्यों की चर्चा की। आपको बता दें कि 16 मार्च 2022 को लंबी बीमारी से द्रौपदी मेघवाल के पति स्वर्गीय साबराम मेघवाल की मौत के बाद द्रौपदी मेघवाल की टिकट दावेदारी को लेकर कमजोर आंकने वाली सभी बातें अफवाह साबित हो गई है। विधायक पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल का जो कार्यकाल पिछले जो कार्यकाल था 13 से 2018 तक, उनका ये कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और उसी की बदौलत कांग्रेस की लहर होते हुए भी ये जो बीजेपी का उम्मीदवार धर्मेंद्र जी मोची यहाँ से विजय प्राप्त की और उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा। आज भी क्षेत्र की जनता पर उनका बहुत बढ़िया मजबूत पकड़ है और हम चाहते हैं कि भी आगे जो भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार है पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल को भाजपा की टिकट देकर इनको यहाँ भेजें और क्षेत्र की जनता इनको अवश्य जरूर जरूर जिताएगी, क्योंकि इनके काम विकासकारी बहुत इनके समय में बहुत हुए हैं।